2001 से काम कर रहे हैं। हम 2001 से काम कर रहे हैं सर आज तक। पहले तो 500 मिलता था, धीरे धीरे 1000 हुआ, फिर 1000 से 15 हुआ, 15 से 3000 हुआ, और 3 से ऊपर हो ही नहीं रहा है। जब यही कह रहे हैं मोदी योगी जी को कि जब दिल्ली का आप बढ़ा सकते हैं तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश का बढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं सोनभद्र का बढ़ा रहे हैं। हम यही निवेदन कर रहे हैं कि काम करते करते हम लोग खुद कुपोषित हो जा रहे हैं तो क्या दूसरे का कुपोषण हम लोग दूर कर सकते हैं। और दुनिया भर का काम ये दिया जाता है सर कि निर्वाचन का अलगे दिया जाता है, स्वास्थ्य विभाग का अलगे दिया जाता है, और ये जो चार बजे तीन बजे भोर में सीटी बजाने के योगी जी मोदी जी बोले हैं। अब बताइए महिला वर्ग कैसे जाएगी 4 बजे भोर में, अगर मान लो उन लोग के ऊपर छेड़खानी हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बताइए सीटी इसलिए बजा ले कि जाकर आप लोग देखिए कि कोई शौचालय बाहर न करे। हाँ, हम लोग को दबाव दिया जा रहा है, आंगनबाड़ी को काम दिया जाता है, हम लोग को CDPO और DPO देते हैं कि आप लोग नहीं करेंगे सेवा समाप्त कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मानदेय काटा जाएगा, इतना हम लोग को दबाया जा रहा है। फिर भी हम लोग को कोई पैसा बढ़ नहीं रहा है, और यही कह रहे हैं योगी जी को, मोदी जी को कि अब से आप सुधर जाए, नहीं फिर अब अगले बार से अब हम लोग वो नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम लोग भी महिला को ही न सोचे कि महिला क्या कर सकती है, महिला तो ये चिंगारी है कि पूरे सबको राख कर सकती है एकदम। हम अब ये हम लोग इस सरकार से हम लोग उग गए हैं, अब ये दोबारा हम लोग सरकार नहीं लाएंगे। जो अपने अपने बाल बच्चों को, जो अपने बीवी को, जो अपने बच्ची को नहीं संवार पाए तो उद्देश्य क्या संवारेगा। हम यही बहनों से कहते हैं और सभी भाइयों से बोलते हैं कि जो अपने बीवी बच्चों को नहीं संवारा वो पूरे देश को संवार ही नहीं सकता है। और ऐसे ही योगी जी है जिनके शादी नहीं हुआ है, जिनके बच्चे नहीं है तो उस दर्द का समझेंगे। ऐसे ही लोग प्रदेश में भी बैठे हैं, उसे राज्य में भी बैठे हैं, और उसे ही गांव में भी चुन किया जाता है। हम लोग इतना पीड़ित हो गए हैं सर कि अब दोबारा ये सरकार हम लोग होने नहीं देंगे।